नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट लाइव। मैं हूं अभिषेक मिश्रा। वो शायरी आपने सुनी होगी कि अकेले ही चले थे जानी में मंजिल, मगर लोग मिलते गए कारवा बनता गया। ये शायरी बिहार की राजनीति में एक नेता का मिजाज बन गया है और कुछ इसी अंदाज में वो अपने मिजाज को बयां करते हैं। आप जानते हैं उस नेता का नाम, वैसे मिजाज वाले नेता का नाम हम आपको बता रहे हैं। वो नेता हैं अनंत सिंह मोकामा से, कथित रूप से उनको बाहुबली कहा जाता है और बाहुबली विधायक हैं अनंत सिंह, निर्दलीय विधायक हैं मोकामा से। तो अनंत सिंह ने मुंगेर लोकसभा मुंगेर सीट से चुनाव लड़ने का ऐलान किया है और मुंगेर सीट को लेकर राजनीति बिहार में गर्माती रही है। चुनाव की घोषणा हुई है लेकिन घोषणा से पहले बिहार की राजनीति गर्म रही है मुंगेर सीट को लेकर। दावा रहा है अनंत सिंह का कि कांग्रेस के टिकट पर चुनाव लड़ेंगे। तो मिजाज अनंत सिंह का और अपने अंदाज में, चूंकि अनंत सिंह अब प्रमोशन चाहते हैं, वे विधायक नहीं रहना चाहते, वे सांसद बनना चाहते हैं, लोकसभा चुनाव लड़ना चाहते हैं और अपने अंदाज में दावा करते रहे हैं कि जो भी सामने खड़ा होगा उसकी जमानत जब्त करा देंगे। तो चूंकि अनंत सिंह प्रमोशन चाहते हैं इसलिए उन्होंने शब्दों को नापना तोलना सीख लिया है, सियासत सीख ली है। इसीलिए कुछ इस अंदाज में अपने मिजाज को बयां करते हैं और अपने उनके पीछे जो लोग हैं उनकी जो ताकत है उसका जो वो प्रदर्शन करते हैं अपनी ताकत का, तो कुछ इसी अंदाज में करते हैं कि मैं तो अकेले चलता हूं, सात गाड़ियों का काफिला चलता है मेरे पीछे, सात गाड़ियां लेकर निकलता हूं घर से, लेकिन रास्ते में वो गाड़ियां कितनी हो जाती हैं मैं नहीं जानता, जहां तक मेरी आंख जाती है वहां तक गाड़ियां नजर आती है। तो अनंत सिंह इन सदे शब्दों में ये कहने की कोशिश करते हुए कि ताकत हमारे साथ है, लोग हमारे साथ हैं, इसलिए जीत हमारी होगी। अनंत सिंह का वो मिजाज सुनिए जिसका जिक्र हमने पहले किया है कि लोग मिलते गए कारवा बनता गया। कुछ इसी अंदाज में अनंत सिंह अपने मिजाज को, अपनी ताकत को बयां कर रहे हैं। देखिए, हम अपना गाड़ी सात गो से घर से निकलते हैं और रास्ता में कितना हो जाता है वो बात तो हम नहीं बता सकते हैं, लेकिन हमें कहियो नहीं 200 गाड़ी 100 गाड़ी लेकर निकले हैं। हम सात गो गाड़ी से हम निकलते हैं, यहाँ पटना से भी जब भी कभी गए, चाहे फलेट अपन कारगिल से निकलते हैं, हमारा यह रूटीन है, हम सात गो गाड़ी से निकलते हैं। अब हो जाता है कितना तो हम ही नहीं जानते हैं। तो आपने सुना अनंत सिंह के कॉन्फिडेंस कह सकते हैं इसको, आपने अनंत सिंह के कॉन्फिडेंस को सुना, लोगों पर उनके विश्वास को सुना कि लोग हमारे साथ हैं, ताकत हमारी साथ है, मैं तो सात गाड़ियों के साथ निकलता हूं, लोग मिलते जाते हैं, कारवां बनता जाता है और कई गाड़ियां जुड़ते जाती है, जहां तक मेरी आंख जाती है वहां तक मैं गाड़ियां देखता हूं अपने पीछे। तो अनंत सिंह इस विश्वास को बयां कर रहे हैं, उस ताकत को बयां कर रहे हैं जो उनको लगता है, जो उनका भरोसा है कि लोग मेरे साथ हैं और मैं मुंगेर की लोकसभा सीट जीतूंगा। आप जानते हैं यह तय है कि कभी उनके दोस्त रहे, कभी जिनके वे करीबी रहे थे, ललन सिंह चुनाव लड़ेंगे माना जा रहा है मुंगेर से, और उनके खिलाफ वो चुनाव लड़ेंगे और अनंत सिंह दावा करते रहे हैं कि ललन सिंह की जमानत जब्त करा देंगे, जो भी सामने होगा मुंगेर सीट से उसकी जमानत जब्त करा देंगे, और जमानत जब्त कराने को लेकर लगातार वे दावे करते रहे हैं। और अनंत सिंह का ये मिजाज कि लोग हमारे साथ हैं, ताकत हमारी साथ है और गाड़ियों का काफिला जुड़ता जाता है मेरे साथ, कहीं ना कहीं ये कहने की कोशिश सदे शब्दों में। तो प्रमोशन चाहने वाले अनंत सिंह, दिल्ली के संसद में पहुंचने की इच्छा रखने वाले अनंत सिंह ने बोलना सीख लिया है, सदे शब्दों में अपने मिजाज को बयां करना सीख लिया है और नापना तोलना शब्दों को सीख लिया है। हम इस खबर में हमारी कोशिश सिर्फ यही थी कि हम अनंत सिंह के उस मिजाज को आपको दिखा सकें, समझा सकें, ताकि आप ये समझ सकें कि अनंत सिंह कितने विश्वास में हैं, कितने कॉन्फिडेंस में हैं कि मैं ये चुनाव जीतूंगा। ये भी तय है कि राजनीति क्रिकेट की तरह अनिश्चितताओं का खेल होती है और अंतिम समय तक हार और जीत पर किसी तरह का आकलन जल्दबाजी साबित हो सकती है। मुकाबला कांटे का है मुंगेर सीट पर, ललन सिंह अगर वहां से उम्मीदवार होंगे तो वे भी कद्दावर नेता माने जाते रहे हैं और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बेहद करीबी माने जाते हैं। अनंत सिंह भी दावा करते हैं कि जमानत जब्त करा देंगे, तो मुंगेर की सीट पर मुकाबला कांटे का और फिलहाल अनंत सिंह का यह मिजाज कि लोग मिलते हैं कारवां बनता जाता है। तो अपने विश्वास को बयां कर रहे हैं अनंत सिंह, अपने अंदाज को बयां कर रहे हैं। इस खबर में इतना ही। अगर आपको हमारी ये खबर अच्छी लगे तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर दबा दें ताकि हमारी खबरें सबसे पहले आप तक पहुंचे। प्यार, समर्थन और सहयोग के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।